कहाँ के रुकने थे? रास्ते, रास्ते। कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। क्यों अटा हुआ है गुबार में गम जिंदगी के फिशार में, वो जो दर्ज था तेरे वक्त में तेरे नसीब, वो जो दर्ज था तेरे वक्त में सो वो हो गया, उसे भूल जा। सो या मुझे लगता है जिंदगी में हमें काफ़ी चीज़ें, वो चीज़ें जो हमें नेगेटिविटी देती हैं या हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, हमें उनको भूलना चाहिए ऑफ कोर्स, एंड जो भी पॉजिटिविटी है उसको हमेशा याद रखना। बट अनिश आप कहते हैं, सही कहते हैं, बट ऐसा होता है ना, जैसे पहला प्यार मेरा जी, तो 40 साल हो गए नहीं भुला था, टीस ही होती है कि कुछ चीज़ मिसिंग हो रही है कि अपना जो हम नहीं मिल पाए, वो ठीक है बैड लक की बात है या अनफॉर्चुनेट की बात है, बट एक मन में टीस ही होती है कि भाई जो है भुला लिया था। हाँ, लेकिन फिर जब हम मोहब्बत में, जब हम प्यार में नफा नुकसान नहीं ना देखते, हाँ ना देखें, तो फिर मोहब्बत कहाँ थी आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नहीं थी। तो इश्क नहीं मानता है, मोहब्बत नहीं मानता है कि आप उस शख्स से, वो आपसे ज़रूरी है कि वो अभी आपसे मोहब्बत करे वापस, आप तो करते हैं ना, बिल्कुल नहीं करता, वो उनका प्रॉब्लम है। yes, लेकिन sir, आप करते रहे क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है। yes, sir, sir. आपकी प्रॉपर्टी को कोई ब्रीच नहीं कर सकता। yes. So you keep on doing it. इश्क करें तो इश्क करते रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम टू दिल्ली। थैंक यू।